hello viewers welcome to knock tv the new play that i am going to explain is the oster and the pearl written by william seryon he was born in 1908 and died in 1981 he was an american writer and he got many prizes for example he got pulitzer prize फॉर ड्रामा इन नाइनटीन फोर्टी एंड अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी इन नाइनटीन फोटी थ्री द प्ले दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्ल इज़ द ऑस्टर एंड द पर्ल एंड इज कंजंक्शन इस कंजंक्शन ने दो नओन को मिलाया हुआ है और दोनों नौन को दी डेफिनेट आर्टिकल के साथ जोड़ा गया है इस डेफिनेट ये भी डेफिनेट आर्टिकल है ऑस्टर के साथ पर्ल के साथ ही दी है इसका मतलब ये खास ऑस्टर और खाद पल की बात कर रहा है। ऑस्टर कहते हैं सी फूड है एक जिस तरह फ़िश भी एक सी फूड है ये भी एक सी फूड है सिपी कह लें सिप कहते हैं सीप और मोती चूँकि मोती सीप में से ही निकलते हैं अल्लाह ताला ने कुछ जानवरों को इतनी पावर दी है कुछ जानवरों को ख़ास खूबियों से नवाजा है जैसे शहद की मक्खी है बस वो शहद बना सकती है कोई और क्यों नहीं बना सकता इसी तरह एक टॉर्टाइज है कछुआ है उसको अलामिया ने हार्ड स्किल दी है उसको हार्ड स्किन दी है उसके ऊपर वजन भी आ जाए तो वो बर्दाश्त कर सकता है इसी तरह कुछ फ़िश है ये एक फ़िश है जिसको ऑस्टर कहते हैं और ये एक छोटी सी सिपी में सीप में बंद होती है इसके अंदर इसके एक पावर होती है जो कि मोती बनाती है उसको आप सुच्चा मोती भी कह सकते हैं वो मोती जो है है किसी के गले का हार भी बनता है अगर वो खरल में पिस जाए तो फिर ये किसी के लिए दवा दर्द की दवा भी बन सकता है तो ये मोती और सीपी की बात हो रही है और इसी के ऊपर लेकिन ये चूँकि प्ले है अगर प्ले है तो इसका कोई स्टेज भी होगा कोई लोकेशन भी होगी इसकी लोकेशन कैलिफोर्निया का एक इलाका कैलिफोर्निया की स्टेट का एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है ओके बाई द सी ये दिखाया गया है ओके बाई द सी एक कस्बा है छोटा कस्बा इसमें है क्या क्या एक कस्बा है तो सारी चीज़ें होंगी गरीब गरीब अमीर होना अलग बात है फैसिलिटी तो सारी होगी ना ऐसी यहाँ भी है ओके बाई द सी इज़ द नेम ऑफ द स्मॉल टाउन इसके टाउन के एक तरफ रोड जा रहा है और जिसे हाईवे कहते हैं वो हाईवे जो है हॉलीवुड को जाता है और इनके जहाँ ये कस्बा है यहाँ से हॉलीवुड 200 मील दूर है और एक तरफ़ पहाड़ियाँ हैं पहाड़ियों में इनके घर हैं और पहाड़ियों में घरों के साथ साथ एक, 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 एक चर्च भी है एक स्कूल भी है और उसके साथ साथ एक सी शोर है सी बीच है समंदर है समुंदर जो वाशअप करता है यानी समुंदर जो चीज़ें बाहर फेंकता है ये लोग उठा के उसको अपने यूज़ में ले आते हैं सेल भी कर सकते हैं कुछ से, कुछ सेलेबल या मार्केटेबल चीज़ें वहाँ से उठा लेते हैं बल्कि एक करैक्टर है वो काम ये करता है अभी बताता हूँ आपको मैं वो चीज़ें सेल करते हैं आपके और ये इसका गाँव दिखाया गया मैं लिखा भी है कि उनके जो वहाँ कुछ ज़हर है अगर अगर गाँव हैं तो शॉप्स भी होंगी जी हाँ जो मेन रोड है जो हाईवे है उसके ऊपर शॉप्स हैं फॉर एग्जांपल गैसोलीन स्टेशन है, है जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों में फ्यूल डलवाते हैं गैस चार्ज करवाते हैं और दुकानें भी होंगी टायर पंक्चर हो जाए तो वो ही दुकान भी होगी लेकिन बताया गया है कि वहाँ सिर्फ दो शॉप्स हैं एक ये गैसोलीन वाली और दूसरी ऑयल चेंज करने वाली गाड़ियों के लोग जाते हैं मुसाफिर अपनी गाड़ियों को ऑयल चेंज करवाते हैं वो दुकानें हैं फिर गाँव के अंदर भी दो दुकानें हैं गाँव के अंदर बहुत सी दुकानें होंगी मे भी किसी डॉक्टर की दुकान हिकमत की दुकान भी हो किसी जनरल स्टोर भी हो कोई कोई मोची की दुकान भी हो ऐसे होगा कोई आटे आटे की दुकान भी होगी और सारा कुछ हो सकता है लेकिन किसी का बताया नहीं गया सिर्फ दो शॉप का जिक्र किया गया है उनमें एक बारबर शॉप है नाई की दुकान है और एक वॉच रिपेयरड की शॉप है एक आदमी है जो वॉच ठीक करता है गलियाँ ठीक करता है और उस गड़ियों के साथ साथ वो रेडियो भी ठीक करता है इसके साथ साथ वो जरूरी का सामान भी उसने रखा हो जरूरी भी बेचता है अलार्म क्लॉक भी ठीक करता है तो ये इसलिए इसको इसको भी जंक कहा गया है जब एक से ज़्यादा काम करेगा जंक ही होगा ना आपने देखा बारबर की शॉप में भी जंक था इसकी शॉप में भी जंक है लेकिन हम आस्ता आस्ता क्लोज आ रहे हैं अपने स्टेज की तरफ हमारा जो स्टेज बना हुआ वो है बारबर की शॉप के अंदर और बारबर किसकी अब हम यहाँ से थोड़ा सा अभी तक अभी तक मैंने आपको प्ले शुरू नहीं कराया अभी से उसका बैकग्राउंड है अब थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ ही जा रहा हूँ मैं उस शॉप के अंदर मैंने बताया ना कि ये शॉप का मालिक ये हैरी वैन डूजन ये शॉप का मालिक है इसने शॉप के ऊपर लिखा भी हुआ है टाइटल है है उसकी दुकान है उसी का नाम होगा ना ये लिखा उसने हैरी वैन डूजन बारबर कि मैं नाई हूँ मेरी दुकान है ये अब उस दुकान के अंदर सारा ही प्ले जो है ना वो डिस्प्ले होगा और ये हफ़्ते का दिन है सैटरडे का दिन है 1953 का साल है और उसी और वहाँ उसी गांव का एक अखबार भी निकलता है वीकली अखबार निकलता है हफ़्ते बाद अखबार निकलता है और जिसका नाम भी लिखा जिसको फेंटन जो है ना वो फेंटन उसकी रिपोर्टिंग भी खुद करता है और राइटिंग भी खुद करता है हफ़्ते बाद अखबार निकलता है उसमें ज़्यादातर लोकल ख़बरें होती हैं और ये उस गांव की थोड़ी सी सिचुएशन है अब हम आस्ता आस्ता उसकी दुकान की, की तरफ आ रहे हैं उसकी दुकान में लेकिन उससे पहले थोड़ा सा गांव के लोगों के बारे में बात कर लेते हैं गांव में बहुत सारी फैमिली हैं सारी गरीब हैं एक फैमिली को उसने हाईलाइट किया है लारेबी फैमिली को लारेबी फैमिली में छः लोग रहते हैं एक खावंद है उसका नाम लिखा क्लार्क क्लार्क लारेबी एक उसकी वाइफ है मिसज़ क्लार्क लारेबी एक उसका बेटा है क्ले लारेबी एक उसकी बेटी है रक्साना लारेबी एक दूसरी बेटी है रुफिस लारेबी ला तीसरी है क्लारा लारेबी ये छः लोग वहाँ रहते हैं और इनमें जो बड़ा है वो क्ले लारेबी है और इनमें में ग़ुरबत की वजह से घर में लड़ाई रहती है इसलिए कि बच्चों के पास जूते नहीं हैं कपड़े नहीं हैं खाने को खाना पूरा नहीं मिलता और बीवी भी बच्चों को देख के रोती है और उसकी लड़ाई खाम के साथ होती है खामंद को भी बच्चों का दुख होता है और वो इन सब से बढ़कर उसके मियाँ बीवी की लड़ाई हद तक जा चुकी है वो घर छोड़ के घर से बाहर चला गया कहीं उसको एक महीना हो गया गए हुए घर से बाहर चला गया वो ये थोड़ा सा अभी अभी स्टोरी शुरू नहीं हुई अभी आपका प्ले शुरू नहीं हुआ थोड़ा सा उनके लोगों के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं वो घर से चला गया हुआ है अब जो क्ले है वो बाहर जाता है समुंदर से वाशअप चीज़ों को उठा के लाता है कोई काम की चीज़ें मिले तो बेच भी देता है और साथ साथ वो बार बार की शॉप पे भी जाता है काम सीखता है या नहीं सीखता एक सेंटेंस आपको बोलूँगा मैं जब शुरू करते हैं उससे अंदाज़ा होगा कि ये काम सीख रहा है उससे कभी कभी जाता है इसको थोड़ा सा काम आता भी है ये उसका थोड़ी सी ना उस उसकी है और दूसरे किरदारों ये सारी की सारी लारैब लारैब फैमिली है यहाँ से यहाँ तक और इसका एक दोस्त है ग्रीली ग्रिल भी इसका दोस्त है किसका इसका क्ले का जो नाई से बारबर से काम सीखता ना लड़का नौ दस साल का लड़का है वो वो काम सीखता है बारबर से उसका एक दोस्त है ग्रीली वो भी यहाँ आया है वहाँ मैंने बताया कि स्कूल भी है अगर स्कूल है तो स्कूल टीचर भी होगी जी हाँ मैक्चन स्कूल टीचर है मैक्चियन वो दिखाई गई है फिर मैंने आपको बताया था वहाँ घड़ियों की दुकान है जहाँ रेडियो ठीक करते हैं उसका जो ओनर है वहाँ जो काम करता है वो ज़िक उसका नाम लिखा है वो ज़िक और एक मैन दिखाया गया है मैन असल में प्रोटागोस भी यही है और इस प्ले का हीरो भी यही है ये बाहर से आया ये इस आबादी का नहीं है ये ओके बाय द सी का नहीं है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह फिर एक फेंटन मैंने आपको बता दिया जो हफ्तरुदा अखबार निकलता है ना उसको ये डील करता है उसका राइटर भी है उसका ये रिपोर्टर भी है फिर मैंने आपको बताया था जज एप्ली जज एप्पलगार्थ जज एप्पल गार्थ भी बताया गया कि बीच कॉम्बर है बीच कॉम्बर होता है बीच पे पड़ी हुई चीज़ें उठा कर लाने वाला उसमें से प्रैक्ट उसमें से सेलेबल क्या है मार्केटेबल क्या है बेचने वाली क्या है उनको लग करता है छांट करता है सॉर्ट करता है फिर बेचता है फिर अपना घर चलाता है इसको जज क्यों कहते हैं इसके पीछे भी एक स्टोरी है वो भी हम बताएंगे और उसके बाद एक अटेंडेंट आता है और जो वो भी उसको एक्सप्लेन करूँगा फिर मैंने ऑस्टर को एज आ एज अ करैक्टर लिया है क्योंकि ऑस्टर के गिर्द ही सारी स्टोरी घूमती है ना उस सिप्पी के गर्द या सिप के गर्द ही सारी कहानी घूमती है आइए हम बढ़ते हैं हमारे प्ले की तरफ तो प्ले जब पर्दा खुलता है तो बार्बर की शॉप होती है बारबर की शॉप में होना तो ये चाहिए कि बारबर जो है वो किसी की कटिंग कर रहा है हेयर कट कर रहा है और आगे कोई कस्टमर बैठा होगा लेकिन यहाँ अपोजिट काम हो रहा है यहाँ बारबर चेयर पर बैठा है और कोई और उसकी कटिंग कर रहा है और जो और कोई है वो क्ले है लड़का है जिसका अब्बू घर छोड़ के चला गया है उसके अब्बू वो वो क्लार्क वो लड़का है क्ले सी एल ए वाई क्ले वो लड़का उसकी कटिंग करता है क्योंकि वो लड़का अभी सिम्पल्टन है अनाड़ी है जिसे कहते हैं वो कटिंग तो कर दी उसने जब पर्दा उठता है कटिंग कंप्लीट हो गई है उसको शीशा दिखा रहा है देखो पीछे रख के चेक करो आपके हेयर ठीक है तो वो कह रहा है हाँ ठीक है तो वो क्ले कहता है कि मुझे लगता है आई गेस आई विल नेवर बी आ बार कि मुझे लगता है मैं बारबर कभी नहीं बन सकता कभी नहीं बन सकता ये सेंटेंस आपको बता रहा है इसका मतलब ये सीख रहा है काम पहले कर रहा होगा जो कह रहा है मैं कभी नहीं बन सकता इसका मतलब ही वॉन्ट्स टू बिकम अ बारबर ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी थ्रू दिस प्रोफेशन वो कमाना चाहता था लेकिन उसने कहा मैं कभी बन नहीं सकता तो बारबर जो, जो है जो हैरी है वो हम उसको हैरी ही बोलेंगे पूरे प्ले में जो हैरी है वो कहता है भाई अगर आप एक काम नहीं कर सकते आप उस पर बज़िद क्यों हैं आप कुछ और भी तो कर सकते हो ना वो कह रहे हैं और मैं क्या कर सकता हूँ कह रहा है तुम कोई तुम कोई ना एक सिंफनी कोई कंपोज़ कर सकते हो कोई धुन बना सकते हो अगर ये भी नहीं आता आपको तो आप कोई पिक्चर पेंट कर सकते हो ये भी नहीं आता तो बुक लिख सकते हो ये भी नहीं आता तो यू में इन्वेंट अ फ़िलासफ़ी तुम कोई फ़िलासफ़ी ईदाद कर सकते हो वो कह रहा है फिलासफी कैसे ईजाद होगी आपने कोई फ़िलासफ़ी याद की है तो बारबर कहते हैं हाँ मैंने फिलास मैंने फ़िलासफी ईजाद की है मेरी फलासफ़ी है टेक इट ईजी वे लिखी भी है मैंने कि टेक इट ईजी वे टेक इट ईजी वे का मतलब हर चीज़ को शांति से लो फिक्र ना करो टेंशन ना लो डिप्रेशन का शिकार ना हो बस जो हो गया हो गया जो नहीं हुआ वो भी ठीक है जो हो गया वो भी ठीक है टेक इ, टेक इट ईजी वे ये है ये क्वेश्चन भी आपको आएगा उस बार बार की स, जो है ना फलासफ़ी क्या है टेक इट ईजी वे अब वो कहता है वो कहता है कि मैं समुंदर से जा रहा हूँ क्ले कहता है मैं समुंदर में जा रहा हूँ चीज़ें ठाने। तो अब आप बैठो तो चूँकि मैं कुछ लाऊँगा तो खाएँगे ना हम लोग तो वो कह रहा है तुमने क्या करने जाना कह रहा मैं वो कहता वो कह रहा है समुद्र को चीज़ें बाहर फेंकता है हाँ बार बार कहता है, है हाँ समुद्र चीज़ें बहुत सी चीज़ें बाहर फेंकता तो है तो क्ले कहता है लेकिन मनी तो नहीं फेंकता ना तो वो बार बार कहता तुमने मनी क्या करनी है कहता है मनी के लिए मैंने अपनी अम्मी के लिए गिफ्ट लेना है अपने अबू को मैंने वापस लाना है वो कह रहा है तो तुम्हारे अब्बू को क्या हुआ अब यहाँ से कहानी खुलती है ना कह रहा है मेरे अब्बू और अम्मी की लड़ाई रहती थी अबू एक दिन तंग आकर घर से चले गए अपना सामान ले कर और किचन के अंदर दीवार पर लिख के चले गए एनफ अनफ इज़ अनफ़ क्या बहुत हो गई है बस तो वो कह रहे हैं वो कहाँ गए हैं कहते हैं पता नहीं किसी कहाँ गए हैं हमारा तो ख्याल था दो तीन दिन में आ जाएंगे अब तो एक महीने से ज़्यादा हो गया है कह रहा है जब मैंने आपसे पिछले महीने कटिंग कर कराई थी ना उस वक्त के वो गायब हुए हैं यानी कि एक महीना हो गया है उसको गए हुए अब ये कह रहा है कि मैं उसके लिए मैं अखबार में ऐड दी है उसके लिए मुझे पैसे चाहिए कौन से अखबार में मैंने भी आपको बता चुका हूँ दी ओके बाई द सीगल अच्छा ये जो अखबार का नाम है ना ये भी उसके कस्बे के नाम पर ही रखा गया है जैसा अगर हम देखें लाहौर एक सिटी है तो सिटी के नाम के साथ कभी धी नहीं लगता होता नाम है इंसान का नाम है तारक एक नाम है पीटर एक नाम है दी पीटर नहीं आप कह सकते दी तारक नहीं आप कह सकते लेकिन यही तारक अगर किसी शिप का नाम रख देंगे किसी ट्रेन का नाम रख देंगे किसी अखबार का नाम रख देंगे क्योंकि अखबारों के नामों के साथ ट्रेनों के नामों के साथ मुक़दस किताबों के नामों के साथ वाटरफॉल के नामों के साथ पहाड़ों के नामों के साथ शिप्स के नामों के साथ हम दी यूज़ करते हैं तो ये अखबार का नाम है ओके बाय द सी टाउन का नाम है दी नहीं लगा सकते ये अखबार का नाम है दी लग गया दी ओके बाय द सी गर्ल तो शॉर्ट में वो अखबार को गल कह रहा दी गल गर्ल का अखबार लेकिन पूरा नाम ये है सेवन ये कहते हैं वीकली न्यूज़पेपर पेपर है ये अब वो कह रहा है मैंने इसमें ऐड देनी मेरे अब्बे के लिए कि वो पढ़ के आ जाए उसने कहा मैंने ऐड दे दी है मैंने पैसे देने हैं कह रहा है क्या ऐड दी है कहता खोलो अखबार इसमें ऐड मेरे अबू की आई हुई आज हफ्ता है और उसने कहा अच्छा और वो खोल के देखता है अखबार उसमें ऐड किया थी ये ऐड मैंने लिखी है जो अखबार में जो उसमें बुक में लिखी थी उसने लिखा है बेटे ने उसने उसने कहा था क्लार्क लरेबी क्लार्क उसके अबू का नाम है कहता अबू जी कम होम घर आ जाओ यू आर फिशिंग टैकल्स इन द क्लोजिट सेफ एंड साउंड तुम्हारी जो फिशिंग का सामान है ना देखें ये फिशिंग करता था बाहर जाने से पहले ना ज लड़कर जाने से पहले मैंने बताया ना इनका रोजी रोटी समुद्र के साथ जुड़ी हुई है ये फिशिंग करता था अपने बच्चों के साथ कह रहे आप बू जी आपका सारा फिशिंग का सामान क्या हो सकता है वो लाइनें हो सकती हैं कुंडियाँ हो सकती हैं हुक्स हो सकती हैं जो जो चीज़ें होती हैं कह रहे सारे का सारा अबू जी क्लोज में सेफ एंड साउंड है हमने किसी को नहीं छेड़ा उसको द फिशिंग इज़ गुड प्लेंटी ऑफ क्या कहता है फ़िशिंग जो है ना वो आजकल बहुत आई हुई है यानी कि आजकल सीज़न है फिशिंग की उसने कुछ नाम लिखे हैं उसने एक नाम लिखा है कैबाजोर और लिखा है पर्च एंड बैस कहता है ये बास ये मछलियाँ तीन तरह के नाम लिखे हैं कह रहा है ये मछलियाँ आजकल बहुत आई हुई हैं तुम आ जाओ लेट बिगन्स बाई बिगन्स ये उसने एक प्रवर्ब यूज़ किया है कि गड़े मुर्दे मत अखाड़ो यानी कि जो हो गया हो गया लड़ाई को भूल जाओ यानी कि बरी द हैचिट झगड़े भूल जाओ खत्म कर दो झगड़े वापस आ जाओ और साथ कह रहा है वी मिस यू हम तुम्हें मिस करते हैं ये ऐड ही चल रही है अभी तक मैं मामा के बारे में कह रहा है मामा मिस करती है क्ले यानी अपने बारे में कह रहा है मैं मिस करता हूँ रक्सोना मिस करती है रूफिस मिस मिस करती है क्लारा मिस करती है ये सारे बच्चे आपको मिस करते हैं और आप घर वापस आ जाओ ये एड उसने अखबार में देखी है और बार बार ने उससे कहा है कि भाई ये जो अखबार में एड है तेरे अबू यहाँ होंगे तो पढ़ेंगे ना अगर वो इस कस्बे में होंगे नहीं तो अखबार कैसे पढ़ेंगे वो कह रहा है मुझे नहीं पता मैं तो जा रहा हूँ समंदर पे चीज़ें लेने के लिए और तुम भी मेरे साथ चलो ये जाता होता है साथ लेकिन वो कह रहा है कि आज नहीं आज मेरा वीकेंड है आज मेरा बिज़नेस का डे है आज तो गाहक आएंगे तो आज तो मुझे यहाँ रहने दो ना अब ये वो चले गए वो चला गया है अब ये बैठ गया इसकी कटिंग हो गई है अब इसने क्या किया खुद ही अपने मुंह पर लेदर लगाया जिसे जिसे हम कहते हैं साबुन लगाया सोप लगाया और ख़ुद ही स्टेट एज वाले जो रेज़र है स्टेट एज वाला मतलब जो एक ब्लेड नहीं होता स्टेट एज वाला रेजर के साथ वो शेव करता है इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव में आएगा और मैं हर चीज़ बुक में वही बोल रहा हूँ अपने पास से नहीं बोल रहा इसलिए कि आपको ऑब्जेक्टिव बनना है क्वेश्चन आंसर आपने देने हैं वो स्टेट एज वाले रेजर से अपनी शेव बनाता है और उसी वक्त जो एक उसी वक्त उसके शॉप में एक और लड़की आती है मिस मैक्चियन मिस मैक्चियन इज़ द न्यू टीचर ऑफ द स्कूल एक हफ्ता हो गया पिछले संडे को वो यहाँ आई थी आज सैटरडे है अभी संडे नहीं आया सात दिन हो गया उसको आए हुए और वो आके कहती है कहती है कि मेरे ब्लॉन्ड हेयर हैं देखें हेयर की कई टाइप्स होती हैं ठीक है ना हम उधर नहीं बहस में नहीं पढ़ते उसने कहा था कि शहर में देखें एक फैशन शहर में चलता है गांव में चलता है जब भी एक धोती बांधने वाला आदमी जब शहर में जाता है अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है उस उस, उस, उस कहते हैं डू एन रोम एज द रोमन डू जैसा देश वैसा बेस उसमें ढालने के लिए अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं अगर एक शहर का आदमी गांव में जाता है तो वह आपको धोती बांध के उन लोगों में अगर शाम होना चाहता है उन जैसा बनना चाहता है तो वो उसको धोती बांधना पड़ेगी अब इसी तरह ये लड़की आई है सान फ्रांसिस्को से ये बहुत ही मॉडर्न है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल है अब वो आई है तो उसने आके उसने देखा है स्कूल में गई है वो जब स्कूल में गई है बच्चे उससे पढ़ना नहीं चाहते ना बच्चों को ग्रेड की फिक्र है ना बच्चों को पास होने की फ़िक्र है ना फेल होने की फिक्र है ऊपर से रूड है उसका मजाक उड़ाते हैं और गेम और और समंदर में दिलचस्पी लेते हैं सारा समंदर के चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गेमें खेलते हैं अब ये इस ये चाहती है कि इस इन्वायरमेंट में मैं ढल जाऊँ सान फ्रांसिस्को को छोड़ दूँ मैं शहर को छोड़ दूँ मैं गाँव की लड़की सादा सी बन जाऊँ मैं और गाँव में जो चलते वो पुडल हेयर चलते हैं जिस तरह डॉग होता है पुडल डॉग उसके बाल खड़े होते हैं ऐसा कोई कटिंग है कोई वो आई है बारबर के पास कि मेरे पुडल हेयर कटिंग कर दो ब्लॉन्ड नहीं मुझे चाहिए वो कहता है बीबी अब क्या कह रही हो ये शॉप जो है मर्दों के हेयर कट के लिए है औरतों के लिए नहीं है औरतें यहाँ आती हैं लेकिन अपने बच्चों को लेकर बच्चों के कटिंग कराने आती मैं आपके कैसे कटिंग कर दूँ पहली तो बात मुझे वो कटिंग आती ही नहीं दूसरा मैं कर भी नहीं सकता उसने एक सेंटेंस बोला कि मैं ख़्वाब में भी तेरी कटिंग नहीं कर सकता अब वो बड़ी बहस करती कि देखो मैं आई वॉन्ट टू टर्न माई सेल्फ़ अकॉर्डिंगली मैं इस माहौल में अपने आप को ढालना चाहती हूँ आई ऑट टू लिव हेयर मैं यहाँ रहने आई हूँ पक्का रहने आई हूँ मैं जाना नहीं चाहती मैं पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन बच्चे मुझे एक्सेप्ट नहीं कर कर पा रहे अब जब ये बातें कर रहे होते हैं उसी वक्त सड़क के पास मैंने बताया ना कि हाईवे गुजर रहा है वहाँ एक ट्रक रुकाया कि ट्रक के ब्रेक लगने की आवाज़ आई है उसमें से एक आदमी निकला है और वो आदमी कौन है क्लार्क ये क्लार्क का कौन जो घर से नाराज़ होकर गया हुआ है अपनी बीवी के साथ वो उतरा है वो घर से बा के कहाँ गया था सेलिनास एक शहर है कैलिफोर्निया का सेलिनास एस ए एल आई एन एस वो उस शहर में जा के उसने जॉब कर ली है जॉब उसकी छोटी सी है लेबर टाइप है कोई लेकिन उसने तीस डॉलर भी जोड़ लिए हैं अब इधर कोई ट्रक आ रहा था इस रूट से गुजरने के लिए तो वो ट्रक से लिफ्ट लेके आया ट्रक से लिफ्ट लेने के लिए उसने एक यूज़ किया था वर्ड वो था अ रिड डाउन अ राइट डाउन उसने एक राइड ली है उस और और लिफ्ट ले के वहाँ ट्रक के थ्रू आया है और उसने आके तो सीधा वो बारबर की शॉप में आया है चूँकि बारबर की शॉप स्टेज है वहाँ वो पहले दूसरा ये तीसरा करेक्टर है बारबर से बारबर इस उसको मिलने से अंदाज़ा होता है कि बारबर उसको पहले से जानता था बारबर ने कहा इतनी देर कहाँ रहे हो असल में इसको पता है कि ये घर से नाराज़ होके गया है ये पूरी फैमिली को जानता है उसका बच्चा इसके पास सीखने आता है कटिंग वाशप थाने आता है समुंदर का तो जानता नहीं होगा लेकिन ये बार बार एक इतना सीक्रेट रखता है ये बताता ही नहीं इसको कि आपके बुक कहाँ है क्यों ये अनजान बना हुआ है कि आपके बुक कहाँ गए हैं बच्चे से पूछते हैं आपके बुक कहाँ गए हैं वो कहता नाराज़ होकर चले गए अब उससे पूछता है तुम कहाँ चले गए मिले नहीं उसने कहा था कि मैं फे से नाराज़ होकर चला गया था एफ फे फे। उसने अपनी बीवी को ना देखें लिखा भी है मैंने फेक आया कहता है मैं यहाँ यूज़ किया नाम उसने कहा मैं फे से नाराज होकर चला गया था लेकिन कहता था कि मुझे याद बहुत आते हैं वो वो कहता है अपने लिए थोड़ी लड़ती थी वो तो बच्चों के लिए लड़ती थी बच्चों की भूख से देखी नहीं जाती थी इसलिए लड़ती थी वो तो अब कह रहा है कि मैंने तीस डॉलर एक महीने में कमाए हैं मैं आपको दे के जा रहा हूँ मेरे बच्चे को दे देना और क्ले को उससे कहना सीधा जाके मामा को दे दे देखें यहाँ भी मियाँ बीवी की मोहब्बत दिखाई गई है सीधा जाके मामा को दे दे तो साथ पूछता है मेरा बच्चा कहाँ है वो कह रहा है वो ना बीच पे गया है वादश उठाने गया है कुछ चीज़ें उठाने गया है समुंदर से निकली हुई तो वो कह रहा है अच्छा जब आएगा मेरे बेटे का ना की फिर उसने एक सेंटेंस बोला उसने ना की आई फिर ईडियम बोला उसने लिखे मैंने ईडियम जो बोले हैं मेरे बच्चे पर नज़र रखना ख्याल रखना उसका मतलब ये है और ये पैसे उसको दे देना मैं फिर महीने में जोड़ूंगा जब मैं गुज़रा करूंगा तो मैं उसको दे जया करूंगा तो बार बार कहता है बैठो बैठो मैं आपकी कटिंग कर दूं फिर आप जाना उसको पता है कि ये गरीब है उसको पता है घर से गया है उसको पता है ये पे नहीं कर सकता लेकिन वो कह रहा नहीं अब मेरे पास टाइम नहीं है उधर पीछे से उसका जो ट्रक है वो गैसो गैसोलिन लेने के लिए रुका है अब गैसोलिन ले ली उसने वो हारन दे रहा है कि आ जाओ अब ये भाग के चला गया है जाते जाते वहाँ जो अखबार पड़ा था इसने उठा के अपनी पॉकेट में डाला है और अखबार लेके वो चला गया है और लड़की लड़की भी लड़की कहती है कि मैं भी जा रही हूँ समंदर पे मैं भी अपनी चीज़ें जो वो उठाने जा रही हूँ तो वहाँ वो भी लड़की भी चली गई है अब उसी लम्हे एक कार जो है वो रोड पे आके रुकती है हाईवे पे उस कार ने ऑयल चेंज करवाना है वो ऑयल चेंज वाली शॉप पे कार दे के ना तो अब आ गया बार बार शॉप पे उसका नाम नहीं बताया गया दी मैन कहा गया उसको खास दी मैन बस और वो बाद में पता चला कि वो राइटर है अब जब वो आके बैठ जाता है वो कहता है यार मैंने जाना है हॉलीवुड अब मुझे बताओ यहाँ से हॉलीवुड कितनी दूर है वो आदमी थोड़ा सा ना बड़ा ही फोर्टी के एज का आदमी है और पढ़ा लिखा है महजब है सॉफ्ट बोलता है उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है ज़हर अदीब है तो अच्छा ही दिखाएंगे ना तो वो राइटर है अब वो उससे पूछता है बार बार कि आप कौन है कहता है मैं राइटर हूँ एंड आई वॉन्ट टू गो टू हॉलीवुड वट व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्राम हेयर ऑफ हॉलीवुड का क्या डिस्टेंस है वो कहते हैं दो सौ मील है यहाँ से आप चले जाओगे वो कह रहे हैं ठीक है अब वो कह रहा है कि मेरे हेयर कट कर दो वो टावल गर्म करके उसको लपेटता है अपरन लगाता है उसके ऊपर अपरन बाल काटने के लिए बस इतना ही काम है इसका अब इसने आखिर तक इसने बैठे रहना है ना इसकी कटिंग होनी है ना इसका अपहरण उतरनी है सीट पर इसने बैठे रहना है दूसरे करेक्टर आते जाएंगे उनका ये हाल नोट करता जाएगा क्योंकि राइटर है इसको एक कहानी मिल गई है इसको एक स्टोरी मिल गई है कि लोग अब नाई से बातें करते करते बारबर से बातें करते करते उसको अंदाज़ा हो गया है कि ये लोग गरीबों का ये गरीब गरीब एक कस्बा है ये जब ये बातें कर रहे होते हैं बारबर के साथ बातें कर रहा होता है तो उसी वक्त वो जो आ, बीच पे गया हुआ था क्ले साथ टीचर भी गई हुई थी टीचर कहती थी मैं अपने आप को उसके मुताबिक ढालना चाहती हूँ और टीचर भी वहाँ चली गई थी जब इसने इसकी कटिंग नहीं की थी ना फिर वो भी चली गई थी बीच पे साथ उसका एक फ्रेंड ग्रिली भी चला गया था मैंने बताया ना ये और सोना उसकी बहन भी चली गई थी अब ये बीच से वापस आ गए हैं कब आए हैं जब वहाँ आदमी बैठा हुआ है चेयर पे अब ये वापस आए इन्होंने हर एक ने कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है जहर है वाशअप का माल कुछ तो मिला होगा ना जो पकड़ा हुआ वही आपको ऑब्जेक्टिव भी है मसलन जो टीचर है मैक्सचिन है उसने पकड़ा हुआ एक चेयर है उसकी सीट भी नहीं है उसकी एक लेग भी नहीं है थ्री लेग्ड चेयर है तीन टांगों वाली कुर्सी है बग़ैर सीट के नंबर दो जो ग्रीली है छोटा उसने पानी की बोतल पकड़ी हुई है वो समुद्री पानी है वो कह रहा इसमें है इसमें समुद्री पौधे हैं जब नीचे बैठेगा आपको नज़र आएंगे वो अपने हिसाब से चीज़ें ले आया है और जो क्ले है उसने छोटा सा चीज़ कोई पकड़ी हुई है उसी को ऑस्ट्रिच है वो भी वही ऑस्टर है वही ऑस्टर है वही सप्पी है इतनी छोटी सी है उसने पकड़ी हुई है और आके वो कहता है देखो मैंने ना ऑस्टर पकड़ी है और ये कहाँ से पकड़ी कहता है ये मैंने ना इसमें कहता है कि लाजमी लाजमी पर्ल होगा कोई कहता है इसमें लाजमी पर्ल होगा और वो बड़ा महंगा होगा सौ दो सौ तीन सौ डॉलर का होगा तो वो कहता है कि ये तुमने कैसे पकड़ ली यार वो कह रहा है ये ना ब्लैक रॉक नहीं जो जब वो वहाँ की होगा ना ब्लैक रॉक उसके पास मुझे मिली है ये तो उसने कहा था कि पता नहीं इसमें कुछ है भी कि नहीं है उसने कहा नहीं नहीं इसमें है उसको खोलो ज़रा अब बार बार खोलना नहीं चाहता वो कहता अगर मैं खोलूँगा ना तो मेरे से डैमेज हो जाएगा अगर 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 इसके अंदर कोई मोती हुआ भी या सुचा मोती हुआ भी या पर्ल हुआ भी तो वो डैमेज हो जाएगा आप ऐसे करो वजिक को बुला के लाओ वो जो वाच रिपेयर है ना वो थोड़ा सा कहता है टेक्निकल बंदा है वो एक्सपर्ट है तो वो ज़्यादा अच्छे से खोल लेगा अब ये सारे बच्चे जो हैं ग्रीली है और उसके बाद अक्सोना है उसके बाद क्ले है ये सारे के सारे बुलाने चले जाते हैं वज़े को अब और जो गर्ल है टीचर है वो कहती है, मैं भी कपड़े चेंज करके आती वो भी चली जाती है अब पीछे बार और दी मैन बैठे हैं अब वो मैन जो है देखें उसने अंदाज़ा लगा लिया कि ये लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए मर रहे हैं कितने गरीब होंगे अब बार बार उसको स्टोरी सुनाता है कहता है हमारे गांव में सारे के गरीब हैं कोई भी अमीर नहीं है कह रहा है ये जो बच्चा अभी गया है इसका अबू आज आया था थर्टी डॉलर मुझे दे के गया है कि हमारे घर पहुँचा दो इतना गरीब है कि घर छोड़ के चला गया है फिर उसने कहा था कि इनके घर में लड़ाई रहती थी फिर कहता था मैं ना एक थ्री सॉरी कह रहा मैं थ्री हंड्रेड डॉलर इकट्ठे कर रहा हूँ अगर मुझे मिल जाएंगे ना तो मैं इस बच्चे को हेल्प करूँगा ये इस, इसको चाहिए अपने अब को वापस लाने के लिए ये सारा कुछ राइटर सुन रहा होता है फिर राइटर राइटर कहता है अच्छा यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या काम करते हैं वो कहता है कि यहाँ के लोग कुछ कुछ ने तो घर में कुछ पौधे लगाए हुए हैं सब्जियों के किचन गार्डन कह लें आप उसमें से कुछ चीज़ें बेचते हैं कुछ खाते हैं किसी ने चिकन रखे हुए हैं मुर्गियाँ उसके अंडे बेचती हैं कुछ मुर्गियाँ बेचता है और कोई जो है जॉब करते हैं दूसरे शहरों में जा के नॉर्थ और और साउथ के शहरों में जाते हैं बेचारे बीमार होकर वापस आते हैं लेबर टाइप जॉब होती है ऊपर से होम सिकनेस होती है फिर कह रहा है कुछ लोग पेंशन लेते हैं जो पेंशन लेते हैं वो उनका भी थोड़ा सा गुजारा ही होता है कह रहा है कुछ लोग समुंदर से साइल पे जाते हैं और समुंदर का वाशअप उठा के लाते हैं और उसको फिर जो है ना जैसा कि ये मैंने बताया था ना कि जज एप्पल गार्थ वो भी यही काम करता है वहाँ से चीज़ें ठा के ला के बेचते हैं वो कहता अच्छा ये कहता है यहाँ फैक्ट्री कोई नहीं है फ़िशिंग का कोई नहीं फैक्ट्री कोई और कहता नहीं कोई नहीं फैक्ट्री कहता आप आपको सेलमैन है कहता नहीं मैं सेलमैन तो नहीं हूँ मैं तो एक राइटर हूँ कहता राइटर तो मैंने बीस साल में इस इलाके में कोई राइटर नहीं देखा आप आए हैं पहले राइटर बीस साल में हमारा एक ही राइटर यहाँ था उसका नाम फेंटन था मैंने बता दिया आपको जो हफ्त रोज़ा अखबार निकालता था कहता उसके अलावा मैं तो किसी राइटर को नहीं देखा तो हमारी खुशकस्मती है हमारे इलाके में कोई राइटर भी आया है तो ये बातें हो रही हैं उनकी जब ये बातें हो रही होती हैं तो वो लड़की जो है वो वापस आ जाती कपड़े चेंज करके और वो कहाँ गए वो 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 जैक को बुलाने गए हैं कि हमारी जो फिश है उसको आके खोल दें और जब खोलेंगे तो उसके अंदर से एक जो है वो पर्ल निकलेगा उसी लम्हे वहाँ जज एप्पल गार्थ आ जाता है जज एप्पल गार्थ आके तो जो हैरी है जो बारबर है उसका इंट्रोडक्शन कराता है मिस के साथ कहता है ये हमारी न्यू टीचर है मिस मैक्चियन है और ये एप्पल है जज एप्पल गार्थ है और एप्पल गार्थ कहता है यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल वो कहती है ब्यूटीफुल को मैं क्या करूँ आपके बच्चे नहीं मेरे काबू आते बड़े रूड हैं बड़े तंग करते हैं तो एप्पल गार्थ ने एक सेंटेंस बोलता है बड़ा प्यारा सेंटेंस बोला है मैंने लिखा भी है एप्पल गार्थ ने कहा था आवर स्कूल नीड्स एन ओल्ड बैटल एक्स लाइक द टीचर्स वी हैड इन आवर स्कूल कहता है हमारे स्कूल को तेरे जैसी खूबसूरत लड़की नहीं चाहिए थी उसने एक वज़ लगाया बैटल एक्स चाहिए थी हमें ओल्ड बै बैटल एक्स होता बड़ी ही जिसे कहते हैं ना कि डोमिनेटिंग किस्म की जिसकी पर्सनैलिटी हो बूढ़ी औरत हो एक ड्रोनी किस्म की एक खौफनाक किस्म की जिसकी आवाज़ भी भारी हो इन सारों के एक ही लफ्ज़ उसने यूज़ किया बैटल एक्स जंग में जंग में जो कुल्हाड़ा यूज़ होता था ना ऐसी कोई तेज़ तरह औरत हमें चाहिए कहता है वो हमें चाहिए कहता है फिर हमारे बच्चे ठीक होंगे तो उसने कहा वो कहता तुम तो तुम तो वो उससे कह रहा है हैरी से कि ये एक महीना नहीं यहाँ टिकेगी एक महीने के बाद ये चली जाएगी उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं मैं यहाँ रहने आई हूँ मैं अपने आप को ढालूँगी इसके मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है अब अब वो मैंने बताया ना वो स्टोरी सुना रहा है गाँव के लोगों की गाँव के लोगों के बारे में बता रहा है कि गरीब हैं उसने कहा था तुम यहाँ कब से हो उसने कहा था मैं यहाँ 24 साल पहले आया था 24 इयर्स साल पहले और मैं इसी इसी हाईवे से आया था मैंने आकर रुका मैंने ये देखा उस वक्त भी ये बार बार शॉप थी लेकिन जो उस वक्त बार बार था उसने मुझे बताया कि दिस शॉप इज़ फॉर सेल ये ब्राय फरोख्त है तो कह रहा मैंने वो शॉप ले ली मेरे पास अस्सी डॉलर थे मुझे शॉप मिली सेवेंटी फाइव की तो कह रहा मैंने वो शॉप ले ली उस वक्त से लेके अब तक यहाँ है तो वो उससे पूछता है कि तुम उस वक्त कितनी उम्र के थे कहता उम्र का तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं इतना जरूर था मुझे अपना अच्छाई बुराई की पहचान थी उसने एक सेंटेंस बोला था कह रहा था आ, मिस कैरीना कि मैं यहाँ इस माहौल में एडजस्ट हो जाऊँगी वो कह रहा था कि मैं तो हो गया हूँ उसने देखे एक सेंटेंस लिखा यहाँ लिखा भी मैंने ओके बाई द सी एंड दिस शॉप द प्रॉपर प्लेस फॉर मी टू स्टॉप कहता ओके बाई द सी और ये दुकान और ये मेरे लिए रुकने के लिए बेहतरीन जगह है मैं इसके लिए लाजम हूँ ये मेरे लिए लाजम है मुझे यही सूट करती थी इसको मैं ही सूट करता था हालांकि उसकी दुकान पे वो कह रहा है कि डेली दो या तीन गाहक आते हैं दो या तीन कस्टमर आते हैं कटिंग कराने मुझे बताएं दो या तीन से आदमी अमीर हो सकता है फिर वो कह रहा है उनसे मैं वन डॉलर चार्ज करता हूँ एक हेयर कट का फिर कहता है उसने एक लफ्ज लगाया था नाउ एंड देन कभी कभी वो भी नहीं लेता ये भी ई है कभी कभी वो भी नहीं लेता कभी कभी वन हाफ डॉलर लेता हूँ किसी से किसी से क्वार्टर डॉलर ले लेता हूँ मैं वन फोर्थ डॉलर भी ले, ले लेता हूँ नहीं है तो कोई बात नहीं कहता है इतने गरीब हैं कि अपनी कटिंग के पैसे भी नहीं दे सकते अब देखें ये बातें हो रही हैं इससे उस राइटर को अंदाजा हो रहा है कि सारे के सारे बहुत गरीब हैं और बार बार फिक्र कर रहा है उस बच्चे की कि उसके अबू को वापस लाया जाए वो बार बार कह रहा है कि ये हॉस्टर है इसमें से कुछ निकले तो इसको सेल करें और उसके अगर नहीं निकलेगा तो मैं इस बच्चे के लिए जो है ना थ्री हंड्रेड डॉलर का इंतज़ाम करूँगा तो वो मिस मैक्चिन कहती है क्या आप इस ऑस्टर में पर डाल देंगे मोती आप डाल सकते हैं कहता है डाल तो नहीं सकता कोई पैसे तो इकट्ठे कर सकता हूँ दोस्तों को कह के मैंने मैंने इस कब्बू का घर दोबारा आबाद करना ही करना है अब जब ये बातें कर रहे होते हैं तो उसी वक्त वो राइटर हर चीज़ नोट कर रहा होता है राइटर को पता है कि ये जो है वो गरीब हैं उनकी हेल्प करना चाहता है वो अब उसी वक्त एक जज जो मैंने कहा ना जज एप्पल गार आ जाता है उसका तारफ़ कराता है वो जज कहता है लड़की लड़, लड़की कहती है कि ये जज कैसी है? जज था पहले वो कह रहा है जज नहीं था ये कह रहा एक दफ़ा हमारे गांव में एक मेला लगा था फेर लगा था उस मेले में कुत्तों की दौड़ हुई थी या कुत्तों की लड़ाई हुई थी या जानवर की लड़ाई आपको पता है ना एक बैलों की दौड़ भी होती है कुत्तों की लड़ाई भी होती है कुत्तों की दौड़ भी होती है उसने कहा था उस फेयर में इसको जज बनाया था डॉग्स का लड़की कहती डॉग्स का या हॉन्ड्स का उसने कहा नहीं हॉन्ड नहीं डॉग इज़ बेटर देन दैट ऑफ हॉन्ड्स डॉग का लफ्ज ठीक है उसने कहा था आपने देखा था कह रही देखा तो नहीं था ऐसा भी, भी, यह भी यही कहता है जज भी ये था ऐसा भी यही कहता है हमें नहीं पता किसी को कह रहा है बहुत पुरानी बात है वो कह रही जैसा अब ये कह रहा है कि इसमें इस ऑस्टर में, इस में मोती होगा कह रहा है ये भी एक नहीं हो सकता क्योंकि ये चाह ये सोचती है कि इसमें मोती नहीं है अब हैरी डोसन जो है हैरी डोसन जो है जो बारबर है वो कहता है कि बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए आप ऐसा ना कहें कि इसमें नहीं है पर आप कहें है कोई बात नहीं वो कह रही है झूठे तसलियाँ नहीं देते होते बच्चों को रियलिटी की तरफ लाएं आप टीचर है टीचर वाली बात ही करेगी वो कह रही है आप झूठी तसलियाँ क्यों दे रहे हैं बच्चों को इस तरफ लाएँ आप बच्चों को कि सच सुने तो वो परेशान ना हो जाएं वो अब ऐसी बातें कर रहे होते हैं तो साथ आप देखते हैं कि वो बच्चे जो गए हुए थे वज को बुलाने के लिए वो उसको बुला के ले के आ रहे हैं जब आ रहे हैं अब उधर से इसने कार दी हुई थी ऑयल चेंज करने के लिए इसकी कार का ऑयल चेंज हो गया है वहाँ से एक अटेंडेंट आता है वो एक करदार लिखा मैंने अटेंडेंट वो आके कहता है सर जी योर कार इज़ रेडी आपकी कार तैयार है तो वो कुर्सी छोड़ देता है बार बार की और पास ही पड़ी ही विकर के ऊपर बैठ जाता है विकर कहते हैं स्ट्रा की बनी हुई कुर्सी बैम्बू की बनी हुई कुर्सी बैत की बनी हुई कुर्सी उस पर आप बैठ जाता है और फ़िश को भी देखता है सिगरेट लगा लेता है और वो कहता है कि ये फिश जो है ना मुझे दे दो मैं खरीदना चाहता हूँ कितने की बेचनी है तो वो क्ले कहता है ये कैसे हो सकता है आपने बगैर देखी ले ली है इसमें है भी कि नहीं है फिर उसने कहा है बस मुझे पता है इसमें तो कितने की लेनी है थ्री हंड्रेड लो थ्री हंड्रेड ले लो भाई उसको थ्री हंड्रेड देता है पॉकेट से और फिश को उसको ऑस्टर को अपनी पॉकेट में कोट की पॉकेट में रख लेता है क्लियर अब वो लड़की कहती है ये आपने क्या किया वोज़िक भी हैरान है वोजिक कहता है मैंने इसको वोजिक आया है अपने सैचल के साथ सैचल कहते हैं अपना थैला उसने ठहाया हुआ है ये भी ऑब्जेक्टिव होगा सेचल ठहे हुआ है थैला ठाया हुआ उसमें चीज़ें होंगी ज़हर है थोड़ी होगी कुछ सीजर होगी काटने के लिए ये वो उसको खोलना जो है उसने अब वो कह रहे हैं वोज़क जो है वो हैरान हो गया बल्कि विविल्डर लगाया बिविल्डर हो गया कि एक वैश्यू की तरह देख रहा है कि तूने बगैर देखे पैसे दे दिए उसने कहा हर चीज़ की कीमत नहीं होती हर चीज़ की जो है ना एक एक ही चीज़ नहीं इस कुछ भी नहीं इसके अंदर निकलता चलो फ़र्क करो कुछ भी नहीं है फिर भी मेरा घाटे का सौदा नहीं है इंसानियत की खिदमत की उसने उसने एक उसने कहा था विक उससे कहता है अगर इसमें पर्ल ना हुआ इसमें मोती ना हुआ तो क्या करोगे उसने एक सेंटेंस बोला वो भी मैंने लिखा है उसने कहा था एज फार एज़ आई कंसर्न जहाँ तक मेरा तलक है ना कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ ना द होल थिंग इज़ अ पर्ल पूरी चीज़ें जो हीरा होती हैं पूरे चीज़ें जो ना वो है वो मोती होती हैं हमें मोती की तलाश ही नहीं करनी आती तो ऑल थिंग्स आर पर्ल, हर चीज़ जो है वो पर्ल होती है अब वो 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 मुतमिन हो जाते हैं कि ठीक है क्योंकि ये सेटिस्फाई है ये चैरिटी पसंद करता है शायद क्योंकि इस्लाम में भी यह है ना कि अगर आप नेकी करते हैं तो दस दुनिया में सत्तर आखरत में मिलते हैं इसी तरह वो चाहता है कि नेकी की जाए कोई बात नहीं गरीब ख़ानदान लोग तो वो फिश ले लेता है तीन सौ रुपया ले के क्ले से कहता है क्ले जाओ अपने घर जा के मामा को दे दो वो क्ले और उसकी सारी की सारी फैमिली ले के चले जाते हैं और उसके साथ साथ वो आदमी भी बाहर जाता है जब आदमी बाहर जाता है तो देखता है आगे से क्ले आ रहा होता है कौन क्ला, क्लार्क सॉरी क्लार्क उसका अब्बू जो नाराज़ हो गया था वो अपने साथ अखबार ले गया था उसने अखबार जब दस वो आके बताता है कह रहा है जब मैं दस किलोमीटर दूर गया ना तो मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें ऐड थी तो कह रहा है मैं ऐड पढ़ के वापस आया हूँ कि तो मेरे बच्चे परेशान हैं मैं ना जाऊँ अब कह रहा है कि मैं एक हफ़्ता घर गुजारूँगा मेरी सलीन में सैली नॉस में नौकरी लगी हुई है एक हफ़्ता का घर गुजारूँगा फिर चला जाऊँगा अपनी नौकरी पर मैं और वो उसको बार बार बताता है कि तेरी जो हॉस्टल है वो थ्री हंड्रेड डॉलर की बिग गई है तेरे पैसे घर चले गए हैं बहुत ही खुश होता है वो और साथ कहता है अब मैं अपने घर जाऊंगा एक हफ्ता रेस्ट करूंगा अपनी बीवी के साथ बच्चों के साथ रहूंगा अब कह रहा मेरी जरा ना अच्छी तरह कटिंग कर दो मेरी हेयर कट बना दो मेरी शेव बना दो और साथ कहता है कि मुझे मसाज कर दो और साथ कहता है मुझे अच्छा सा शैम्पू दे दो यानी घर के ये सारी चीज़ें खुशी का इजहार हैं कि घर आके कितना खुश होता है अब ये सारा कुछ करा के और साथ ही लड़की आ जाती लड़की कहती मैंने भी सोच लिया है कि मैंने ओके बाई द सी छोड़ के नहीं जाना लिहाजा मेरी आप पुडल कट पुडल कट हेयर कट कर ही दो फिर अब वो कह रहा है कि बीबी इस आदमी का ज़्यादा काम है यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम और दूसरी बात यह है कि मुझे आते भी नहीं ये मैं भूल गया हूँ पुडल पुडल कटिंग क्या होती है आखिरी सेंटेंस यही लिखा उसने देखे लास्ट सेंटेंस है आई डोंट रिम्बर मुझे नहीं याद वट अ पुडल डॉग लाइक लुक लाइक पुडल डॉग कैसा दिखता है मैं तो गाँव में रहने वाला बंदा हूँ अब शहर में रहने वाली बंदियाँ हैं अब ये इसके साथ ही जब ये लास्ट लास्टेंस बोलता है पर्दा गिरता है और ड्रामा ख़त्म हो जाता है लेकिन इसके साथ साथ बहुत से करैक्टर बहुत से सिंबोलिज्म बहुत से जो आउटकम जिसे हम कहते हैं आफ्टर मैथ कहते हैं और जो मॉरल लेसन कहते हैं वो हमें दे गया है वो क्या मॉरल लेसन है आइए हम देखते हैं ये थीम लिखा मैंने इसका या मॉरल लेसन कह लें थीम कह लें आउटकम कह लें उसने कहा है वी शुड हेल्प द पुअर हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए लेकिन कैसे विदाउट मोकिंग जोकिंग एंड मेकिंग द फ़न ऑफ देयर पोवर्टी उनकी ग़ुरबत का मजाक अड़ाए बगैर देखें उसने कहा था उसने फिश ली थी ना वो जेक ने जब ली थी इसने ख़रीद ली थी वो जेक ने कहा था इसको खोलो अब तो आपने ख़रीद ली है उसने कहा नहीं खोलूँगा ना इसका एग डैमेज हो जाएगा इसकी ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि एग में ये बड़ा होता जाएगा बड़ा होता जाएगा तो इसका मतलब वो खोलना भी नहीं चाहता था कि ये शर्मिंदा ना हो तो यही तो इस्लाम बताता है कि एक से दो दूसरे को खबर ना हो अब दूसरी बात यह है वही यू वुड हैव टू गो इन द लैप ऑफ टू ऑस्टूबीकाम आपको मोती बनने के लिए ना किसी सिप्पी की गोद में जाना होता है किसी सिप्पी की गोद में रह के उसकी कैद में रह के यू हैव टू फेस द चौपी वेव्स ऑफ द सी समंदर की लहरों को आपने फ़ेस करना होगा क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार बनता है ये इसका थीम है एक वन थिंग मोर फलॉसफ़ी ऑफ बारबर उस बारबर की एक फ़िलासफ़ी है क्या है टेक इट ईजी वे हमेशा खुश रहो तो यही तो इस्लाम कहता है हमेशा सब्र करो परेशानियों पे सब्र करो सब्र करो सबर करो। वो दो डेली कस्टमर आते हैं तीन आते हैं उनसे भी कभी पैसे लेता है कभी नहीं लेता फिर भी साबर बंदा है फिर भी कह रहा है मेरी ये जो है मे, मेरी ये एक फलासफी है कि टेक इट इजी वे बस शांत रहो फिर उसने कहा है द कंटिन्यूस चॉपी वेव्स गिव अस इंकरजमेंट कहता है जब हम मसलसल जो वेव्स समंदर की आती हैं लहरें आती हैं ना देखिए किसी वक्त उनको सुकून नहीं है लहरों को किसी वक्त उनको आराम नहीं है हर वक्त दिन रात अपने सफर पे रवा दवा है दिन रात तारे अपने सफर पे रवा दवा है सूरज चाँद तारे हर चीज़ हरकत में है क्योंकि हरकत में बरकत है तो ये समंदर की जो लहरें हैं जो टकरा रही हैं ये हमें एक इंक्रजमेंट का मैसेज देती हैं कि हिम्मत ना हारो चलते रहो चलते रहो क्योंकि समंदर के बारे में बताया था आपने एक नावल पढ़ा था ओल्ड मैन एंड द सी उसमें भी ओल्ड मैन ने यह कहा था कि सी इज़ जस्ट लाइक अ गर्ल एक लड़की की तरह है कभी आपका दोस्त है कभी आपका फ्रेंड है कभी फो है कभी दुश्मन बन जाता है कभी आपका दोस्त होता है तो ये फ़ायदे भी देता है नुकसान भी देता है और जब ओल्ड मैन ने अंडा सी एटी फिफ्थ दे गया था ना एटी पचासीवें दिन उसने कहा था कि आज मेरी कोई बड़ी मछली इंतज़ार कर रही है आज मैं लकी हूँ आज जो भी ख़रीदोगे आज जो भी करूँगा मैं कामयाब हूँगा इस लड़के ने भी जब आज समुंदर पे गया ना वाशअप लेने के लिए इसने कहा था आज मैं कुछ ज़रूर हाथ मार के आऊँगा मेरे हाथ कुछ ज़रूर लगेगा क्योंकि समुंदर या फ़ायदा देता है या नुकसान भी देता है दुनिया है ना ये समुंदर को दुनिया से तशबी दी गई है दुनिया का सिम्बोलाइज है ये और रोड जो है वो इसके अंदर आपको पता है जिंदगी की रोड है फिर वो कह रहा है ए, ह्यूमिनिटी का इसमें दरस है ह्यूमिनिटी बार बार भी ह्यूमन दिखाया गया है देखें फ्री भी काट देता है रुपया भी ले एक, एक डॉलर लेता है और फ्री भी काट देता है उसको प्रवाही कोई नहीं है और ये आदमी है जिसने 300 डॉलर खर्च कर दिए इससे क्या बड़ी चैरिटी की एग्जांपल होगी कि उसने अपने अल्लाह के लिए खर्च किया है उसने किसी के लिए नहीं खर्च किया तो यह ह्यूमिनिटी की एक अच्छी मिसाल मिलती है उस इंसान को जलील भी नहीं किया फिर उसने कहा इसमें कमें होप मिलती है देखिए उसके अंदर कुछ था या नहीं था एक होप थी ना एक कार के लिए अगर टोकन लेते हैं टिकट लेते हैं नामी टिकट है, एक कार होती है लाखों टिकट बिक जाते हैं तो कार तो एक को मिलनी होती है ना लाखों इसी उम्मीद पे लेते हैं कि शायद मेरा हो शायद मेरा निकल आए इसी उम्मीद को ही होप कहते हैं फिर इसमें कुछ सिम्बलिज़म यूज़ हुआ है सिम्बलिज़म ये है रोड है रोड जिंदगी की रोड है जहाँ आते हैं मुसाफिर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं फिर चले जाते हैं फिर उसमें जंक दिखाया गया है देखिए बारबर की शॉप में भी जंक था वो जेक की शॉप में भी जंक था दुनिया को भी उसने जंक कहा है कि दुनिया जंक है इसमें हर तरह की वैरायटी पाई जाती है समुंदर भी जंक ही फेंकता है तो इसीलिए इसका ये भी एक जो सिंबल है कि इस देर इज़ अ वैरायटी इन वर्ल्ड क्योंकि वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ ये होनी चाहिए फिर उसने कहा था सी एस सी समुंदर मैंने आपको बताया था कि ये दुनिया है दुनिया का सिम्बलाइज करता है फिर पेपर और स्कूल है पेपर मैंने बताया था कि उनकी करंट अफ़ेयर को शो करता है लोग अपने मुल्क की करंट अफेयर के साथ कितने एसोसिएटेड हैं दे वॉन्ट टू लर्न अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री अखबार पढ़ते हैं वो स्कूल जो है उनके एजुकेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है फिर एक चर्च आया है चर्च उनके मजहबी जो है ना उनको के मजहब को रिप्रेजेंट करता है कि उनका मजहब कितने लोग मजहबी हैं अपने मज़हब के साथ कितने लोग मुनसलिक हैं कितने एसोसिएट हैं और फिर उसने एक आखिर पे एक मैंने इसका कंक्लूजन किया है सीप में गिरने वाले पानी के कतरे को किसी के गले का हार या किसी के दर्द की दवा बनने के लिए सीप की कैद काटना पड़ती है अगर वो सीप की कैद काटेगा तो किसी के गले का हार बन सकता है या किसी के दर्द की दवा बन सकता है सो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेल लास्ट